हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फहाद, आप देख रहे हैं टेक्टिव बूम। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शाओमी के न्यूली लॉन्च रेडमी नोट 7 वर्सेस रियलमी के न्यूली लॉन्च रियलमी 3 के बारे में, कि इन दोनों में से कौन सा लेना बेटर रहेगा, कौन सा बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों ही फोन जो है ऑलमोस्ट सेम प्राइस बजट के अंदर आते हैं, 10 से 12 हजार रुपए की रेंज में, और बस खाली 1 हजार रुपए का डिफरेंस है दोनों ही फोन के अंदर। और क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम प्राइस बजट सेगमेंट के अंदर आते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन बनता है दोनों को लेने में कि भाई दोनों में से कौन सा लिया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं दोनों ही फोन्स की स्पेक्स को कंपेयर करूंगा और मैं फाइनली अपना ओपिनियन बताऊंगा कि कौन सा लेना ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अपने चैनल टेक टू बूम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो सबसे पहले प्रोसेसर के मामले में अगर कंपेयर करें तो रियलमी 3 के अंदर दोस्तों हमें मिलता है हीलियो का P70 प्रोसेसर, जो कि बना हुआ है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ये हमें रियलमी U1 में भी देखने को मिला था रियलमी के। तो प्रोसेसर हम कह लें थोड़ा सा, यानी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा कुछ महीनों पुराना हो चुका है, क्योंकि रियलमी U1 में भी आ चुका है प्रोसेसर, और भी इसके अलावा भी हमें कई सारे फोन्स में देखने को मिला था। तो रियलमी 3 में हमें यही वाला प्रोसेसर मिलता है, जबकि रेडमी नोट 7 के अंदर हम देखें तो उसमें हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर, जो कि क्लॉक्ड है 2.2 GHz पे, यानी कि स्नैपड्रैगन का 660 दोस्तों अभी तक जितने प्रीवियस फोन थे, जैसे कि रियलमी 2 प्रो हो गया, ASUS का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 हो गया, और भी कुछ फोन्स थे, तो उनके अंदर हमें जो थे डाउन क्लॉड देखने को मिल रहे थे, यानी कि 1.9 GHz की डाउन क्लॉड देखने को मिल रहा था, यानी कि इन एक्चुअल जो स्नैपड्रैगन 660 है वो आता है 2.2 GHz पे, फुल पावर जो है उसकी 2.2 GHz। लेकिन ये जो कंपनियां थी अभी प्रीवियस अपने मॉडल्स में डाउन क्लॉट करके दे रही थी 1.9 GHz तक। लेकिन इस Redmi Note 7 में हमें जो Snapdragon 660 मिलता है वो इसकी फुल कैपेबिलिटी पे, फुल पावर की पर मिलता है, जो है 2.2 GHz की, और ये है 14 नैनोमीटर पे बेस्ड। दोस्तों, अगर मेमोरी की बात करें तो दोनों ही वेरियंट्स Realme 3 और Redmi Note 7 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज और 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आते हैं इन दो मॉडल्स के अंदर। जहां पे हमें Realme का 3 GB रैम वाला वेरियंट जो है वो मिल जाता है हमें 9000 रुपए का, वहीं Redmi Note 7 का 3 GB रैम वाला जो वेरिएंट है वो हमें मिलता है 10000 रुपए का, यानी कि 1000 रुपए महंगा है। और वहीं 4 GB रैम वाला Realme 3 का जो मॉडल है वो मिलता है हमें 11000 रुपए का, और वहीं Redmi Note 7 का 3 GB रैम वाला वेरिएंट जो है हमें मिलता है 12000 रुपए का। तो दोनों ही के दोनों वेरिएंट्स में 1000 रुपए का डिफरेंस है। तो दोस्तों, जहां तक डिस्प्ले का मामला है तो Realme 3 के अंदर हमें मिलता है 6.2 इंच का HD 720p का डिस्प्ले, और उसके ऊपर हमें मिलता है Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन। वहीं Redmi Note 7 के अंदर हमें मिलता है दोस्तों 6.3 इंच का फुल HD 1080p का डिस्प्ले, जिसके ऊपर हमें मिल जाता है Gorilla Glass 5 का लेटेस्ट प्रोटेक्शन, जो Gorilla Glass 3 से काफ़ी मजबूत है। और वहीं हम देखें तो HD जो है इस टाइम पे अगर हम देखें प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो में, तो यार 720p का डिस्प्ले, जो HD डिस्प्ले है वो मतलब ठीक ठाक नहीं है। एटलीस्ट 1080p का डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले तो अब एक तरह से हम कह लें स्टैंडर्ड बना ही लेना चाहिए कंपनियों को, जो कि 9 से 10 हज़ार रुपये के बजट के फोन दे रही हैं, तो 1080p का जो है रिजोल्यूशन का डिस्प्ले एक स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए। लेकिन खैर, Realme 3 ने जो है HD डिस्प्ले दिया है 720p का, तो ये ज़रा एक डाउन साइड है इसके अंदर। वहीं Redmi Note 7 Pro में हमें अच्छा खासा 1080p का डिस्प्ले मिल जाता है 6.3 इंचेस का, वो भी Gorilla Glass 5 के प्रोटेक्शन के साथ में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ तक बैटरी का मामला है तो बैटरी के मामले में Realme 3 के अंदर हमें मिलती है 4230 mAh की बैटरी 10 वॉट के चार्जिंग के साथ में, और इसके अंदर हमें किसी भी तरह की क्विक चार्जिंग वगैरह नहीं मिलती और नॉर्मल USB पोर्ट मिलती है इसमें। वहीं Redmi Note 7 के मामले में हमें मिलती है 4000 mAh की बैटरी, लेकिन साथ ही में उसमें हमें मिलता है क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट USB टाइप सी पोर्ट के साथ में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, कि क्विक चार्ज 4.0 से हम अपने फ़ोन को जो है लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटे से थोड़े ही से ज़्यादा मिनट्स में हम चार्ज कर सकते हैं ऑलमोस्ट, यानी कि हम कह लें 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट में फुल्ली हमारी बैटरी 90% चार्ज हो जाएगी जीरो से। बस ये चीज़ है दोस्तों कि हमें क्विक चार्जिंग के लिए क्विक चार्जर नहीं मिलता Redmi Note 7 के पास में, वो हमें अलग से लेना होगा अगर हमें क्विक चार्जिंग 4.0 का लाभ उठाना है। लेकिन खैर, क्विक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट USB टाइप सी पोर्ट के साथ में एटलीस्ट हमें मिल तो रहा है, हमारे पास एटलीस्ट ऑप्शन तो है कि हमारे पास अगर क्विक चार्जर हो या हम खरीद लें उसे, तो हम एटलीस्ट क्विक चार्जिंग कर सकते हैं अपने फोन पे। दोस्तों, कैमरे के बारे में हम बात करें तो कैमरे में Realme 3 के अंदर हमें मिलता है रियर में, यानी कि बैक साइड में 13+2 MP के डुअल रियर कैमराज, और 30 MP का जो प्राइमरी कैमरा है उसका बैक वाला, उसमें अपर्चर हमें मिलता है F1.8 का, और इससे हम स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 90 FPS के ऊपर 720p रेजोल्यूशन पे। और साथ में इसमें Realme की तरफ से हमें नाइट एस्केप मोड भी मिलता है, क्रोमा बूस्ट भी मिलता है, जिससे नाइट एस्केप मोड में हम जो कि रात में अगर हम पिक्चर लेते हैं तो उसको ऑन करने के बाद में जो है हमारी पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, यानी कि जो लो लाइट जो लग रही होगी तो उसको अच्छे से इंप्रूव कर देगा उसकी जो ओवर लाइटनिंग कंडीशन है फोटो की। और फ्रंट कैमरे के मामले में हमें इसमें मिल जाता है 13 MP का कैमरा AI फीचर्स वगैरह के साथ में। और दोस्तों, वहीं Redmi Note 7 के अंदर हमें मिलता है रियर के अंदर
12 प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल रियल कैमरा जिसमें हमें एपर्चर मिलता है 12 मेगापिक्सल वाले प्राइमरी कैमरा का f2.2 और इससे भी हम स्लो मोशन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 720p पे अप टू 120 fps के ऊपर। और इसमें हमें साथ में मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जो कि वीडियोस को स्टेबलाइज करने में यानी कि जो जर्ज वगैरह होते हैं झटके वगैरह को स्टेबलाइज करने में काफी अच्छे से मदद करता है। दोस्तों इसके फ्रंट में हमें मिलता है 30 मेगापिक्सल का कैमरा या फीचर्स वगैरह के साथ में। और जो दोनों का एग्जैक्ट बॉडी डिजाइन है दोस्तों वो मिलता है हमें बेसिकली Redmi Note 7 की जो ग्लास बॉडी यानी कि आगे पीछे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया, तो एक तरह से ग्लास बॉडी है इसकी, पीछे भी गोरिल्ला ग्लास 5 दे दिया गया जिससे बैक साइड में आपके स्क्रैच वगैरह आसानी से नहीं आएंगे और एक पूरी ग्लासी फिनिश हमें लगती है। वहीं Realme 3 के अंदर जो हमें ग्लॉसी फिनिश मिलती है तो वो है बेसिकली 3D ग्रेडियंट यूनिबॉडी प्लास्टिक डिजाइन यानी कि प्लास्टिक पर उन्होंने 3D का एक ग्रेडियंट डिजाइन डाला है जो कि हमें काफी ग्लॉसी लगता है देखने में, जैसे कि प्रीवियसली हमने Realme 2 Pro वगैरह में Realme U1 वगैरह में हमने देखा था। और वेट के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, 175 ग्राम का वेट है Realme 3 का और 185 ग्राम का वेट है Redmi Note 7 का। दोस्तों ये तो वही इन दोनों की स्पेक्स, अब बात कर रहे थे दोनों में कौन सा बेटर रहेगा। दोस्तों मैं अगर ओपिनियन अपना बताऊं तो Redmi Note 7 और Realme U1 के अंदर अगर हम कंपेयर करें सही मायनों में तो प्रोसेसर को अगर सबसे पहले हम देखें तो प्रोसेसर के अंदर Redmi Note 7 का जो प्रोसेसर है Snapdragon 660 वो आउट परफॉर्म करता है Realme 3 के Helio P70 के ऊपर, खासतौर पर गेमिंग्स के अंदर, क्योंकि गेमिंग के अंदर जो है अगर हम HD पे जैसे कि सभी का आजकल मोस्ट ऑलमोस्ट जो फेवरेट गेम है PUBG, तो अगर हम उसको HD ग्राफिक्स के ऊपर हाई FPS के ऊपर अगर हम चलाएं तो Realme 3 के अंदर HD ग्राफिक्स के ऊपर हाई FPS के ऊपर हमें थोड़ा बहुत स्किपिंग लैग वगैरह देखने को मिलता है, कभी कभार फ्रेम स्किपिंग देखने को मिल जाती है Helio P70 प्रोसेसर के अंदर। वहीं Redmi Note 7 का जो Snapdragon 660 प्रोसेसर है वो आराम से स्मूथली बिना किसी फ्रेम स्किपिंग के HD ग्राफिक्स के ऊपर हाई FPS के ऊपर PUBG जैसे गेम को और आसानी से चला देता है और बाकी जितने भी गेम्स है वो आसानी से इजीली ऑलमोस्ट चली जाते हैं दोनों ही फोन्स में। बस जहाँ पे ज़्यादा ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम है उनमें कहीं कहीं पर ही हमें Helio का जो P70 प्रोसेसर है Realme 3 का उनमें हमें फ्रेम स्किपिंग देखने को मिल जाती है। तो इसलिए प्रोसेसर के मामले में और खासतौर के गेमिंग के मामले में Redmi Note 7 ज़्यादा बेटर है Realme 3 के कंपैरिजन में डेडिकेटेडली अगर आप गेमिंग के लिए फोन देख रहे हैं। वहीं दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है कैमरे का मामला, तो कैमरे के मामले में दोस्तों Realme 3 का जो कैमरा है वो खासतौर पे फोटोज के मामले में थोड़ा आउट परफॉर्म करता है यानी कि थोड़ा ज्यादा बेटर फोटोज ले लेता है कंपैरेटिवली टू Redmi Note 7 से, क्योंकि Redmi Note 7 में खासतौर पर जो एपर्चर है वो मिलता है हमें 2.2 का, वहीं Realme 3 के अंदर जो एपर्चर है हमें मिल जाता है f1.8 का, जिससे कि लो लाइट की जो फोटोज है Realme 3 की वो थोड़ी बेटर आ जाती है कंपैरेटिवली टू Redmi Note 7 से। लेकिन जहां तक वीडियो का मामला है रियर कैमरे से, तो वीडियो के मामले में Redmi Note 7 के अंदर हमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का, जिससे कि वीडियो उसकी काफी स्टेबल हो जाती है, काफी स्मूथ हो जाती है। जैसे कि हम गोरिल्ला पॉड वगैरह लेके हाथ में चल रहे हैं और इवन खाली हाथ में ही अपने मोबाइल लेके चल रहे हैं तो वीडियो जो है हमारी काफी स्टेबलाइज जाएगी यानी कि जर्स वगैरह जो होते हैं वो काफी स्टेबल हो जाएंगे EIS की वजह से। दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में जो है Redmi Note 7 का कैमरा ज्यादा बेटर है, फोटोज भी ऐसा नहीं है बुरे भी लेता है, वो फोटोज भी ठीक ठाक ले लेता है, लेकिन कंपेयर करें अगर फोटोज के मामले में Realme 3 से तो Realme की 3 की जो फोटोज हैं वो थोड़ी ज्यादा बेटर आती हैं, लेकिन वीडियो के मामले में Redmi Note 7 ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर थोड़ी डार्क गेम वीडियोस तो हम थोड़ा कलर करेक्शन वगैरह इजीली करके, और बहुत सारी एप्स भी आ गई हैं मोबाइल के अंदर ही जैसे Adobe Photoshop Lightroom भी है, तो उससे हम थोड़ा बहुत करेक्शन करके अपनी फोटोज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और दोस्तों फ्रंट कैमरे के मामले में जो है दोनों में ही 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, दोनों ही के कैमरे जो है ठीक ठाक फोटोज सामने से ले लेते हैं, बस वही है कि लो लाइट में जो है स्ट्रगल करते हैं क्योंकि फ्रंट में दोनों ही का अपर्चर कोई ज्यादा खास नहीं है, लेकिन ठीक ठाक फोटोज अगर लाइट अच्छी है आपके रूम वगैरह में भी तो अच्छी फोटोज आ जाएंगी, लो लाइट जो है उसमें बस स्ट्रगल करेंगे फ्रंट कैमरे से भी दोनों के कैमरास। दोस्तों अगर दोनों के डिस्प्ले को देखें जो कि काफी बड़ी कमी दे रही Realme 3 ने कि HD डिस्प्ले दिया है हमें, खाली 720p का डिस्प्ले दिया है, तो अगर हम गेमिंग भी करते हैं इवन हम वीडियोज वगैरह भी देखते हैं तो अगर सामने सामने अगर आप देखोगे 1080p के डिस्प्ले को और 720p के डिस्प्ले को, तो ऑफकोर्स 1080p के डिस्प्ले पे जो वीडियोस वगैरह देखने में मजा आएगा, जो गेमिंग वगैरह में मजा आएगा, वो 720p के डिस्प्ले पे नहीं आएगा, क्योंकि सारा ही काम जितना भी हमारा हो रहा है वो डिस्प्ले पे हो रहा है, सब डिस्प्ले पे देख के ही कर रहे हैं, चाहे हम गेमिंग करें चाहे वीडियो हम देखें या और भी किसी भी चीज़ का यूज करें, सब चीज़ हम डिस्प्ले पे ही करेंगे। तो उसका अगर रेजोल्यूशन 1080p है और एक के मामले में 720p है, 1080p के ऊपर जो मजा आएगा वो 720p पे नहीं आएगा, तो डिस्प्ले के मामले में काफी बड़ा प्लस पॉइंट है Redmi Note 7 के अंदर, क्योंकि उसमें हमें 1080p का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों Realme 3 के अंदर जो है हमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, USB Type-C का पोर्ट नहीं मिलता है, चलो मैं कह रहा हूँ USB Type-C का पोर्ट ना भी होता एटलीस्ट फास्ट चार्जिंग भी होती तो काफी बड़ा प्लस पॉइंट हुआ था Realme 3 के पास में भी, लेकिन हमें नॉर्मल चार्जिंग मिलती है Realme 3 में, वहीं Redmi Note 7 में हमें मिल जाती है क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट USB Type 3 के साथ में, जो कि प्लस पॉइंट है Redmi Note 7 के लिए। तो दोस्तों इसलिए ओवरऑल अगर कंपेयर करें तो Redmi Note 7 को ज्यादा पॉइंट मिलते हैं बनिस्बत
Redmi 3 के 1000 रुपये ज़्यादा में हमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मिल रही है Redmi Note 7 में। Redmi Note 7 में 1000 रुपये ज़्यादा देके हमें मिल रहा है क्विक चार्जिंग टाइप सी पोर्ट के साथ में, फुल HD डिस्प्ले, Snapdragon का प्रोसेसर जो कि थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है गेमिंग के अंदर Realme 3 के Helio P70 से, और Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक दोनों पे। तो ये चार चीज़ें हमें ज़्यादा बेटर मिल रही हैं Realme 3 के कंपैरिजन में 1000 रुपये ज़्यादा देके। तो 1000 रुपये ज़्यादा देके हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, खासतौर पे क्विक चार्जिंग, फुल HD डिस्प्ले और Snapdragon 660 प्रोसेसर। तो मेरे ओपिनियन में अगर मैं कहूँ तो आप जाएं Redmi Note 7 के लिए इन कंपैरिजन टू Realme 3 के। लेकिन आपका बहुत ही टाइट बजट है तो आप Realme 3 के लिए जा सकते हैं, वो भी इतना बुरा फ़ोन नहीं है। मैं आपको प्लस पॉइंट जो गिना रहा हूँ Redmi Note 7 के लिए, इतना बुरा फ़ोन Realme 3 नहीं है। लेकिन 1000 रुपये ज़्यादा अगर आप डाल सकते हैं, अगर आपका इतना टाइट नहीं है, मतलब 1000 रुपये चलो आप डाल सकते हैं, इन्वेस्ट और कर सकते हैं, तो आप Redmi Note 7 के लिए जाइए। उसमें हमें थोड़े ज़्यादा बेटर फीचर्स मिल जाते हैं कंपैरेटिवली टू Realme 3 के। दोस्तों ये था मेरा फाइनल ओपिनियन इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा भी आपको कोई सवाल हो इन फोन से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में अब मैंने एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया है टेक टू बूम के नाम से ही, आप वहाँ पे जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ओपन ग्रुप है वो। और वहाँ पे भी अपनी कोई भी क्वेरी हो, डजंट मैटर वो किसी भी गैजेट से रिलेटेड हो, फोन से रिलेटेड हो या कंप्यूटर से रिलेटेड हो, वहाँ पे भी अपना सवाल पूछ सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं और भी ग्रुप मेंबर्स है, और वहाँ पे भी मैं आपको अपना जवाब दे दूंगा। और साथ में अगर आप चाहें ट्विटर या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी लाइक बटन दबा के लाइक कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, फर्स्ट टाइम आया मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें कि मैं आपके लिए ऐसी ढेरों ऑसम टेक वीडियोज, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, कंपैरिजंस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।